तो इंतज़ार बड़ा लंबा होता है, आखिर ये प्लांट स्टार्ट हो ही रहे हैं और वो वक्त आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार रहता है, स्प्रिंग का दोस्तों। जब हम नए प्लांट्स पे वर्क करते हैं, नए प्लांट्स पे स्टार्ट भी करते हैं, नया प्लांट सिलेक्ट करके नए बोनसाई बनाने का भी स्टार्ट करते हैं, तो इस प्लांट ने भी स्टार्ट किया है पर बहुत ही अलग अंदाज में दोस्तों। तो क्या आपने सब सीख लिया है बोनसाई बनाने का? जो भी है वो सब सीख लिया ऐसा लगता है। तो हमारे कुछ वीडियो देखिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, बने रहे अंत तक। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है वो पहले ऑब्जर्व करना है दोस्तों। यहाँ प्लांट ने स्टार्ट किया है बट कुछ ही ब्रांचों में, इन ब्रांचों में एक भी लीफ नहीं है, जबकि प्लांट स्टार्ट होता है तो सभी ब्रांचों में होना चाहिए। तो यहाँ जो लंबी वाली ब्रांच थी उसमें स्टार्ट हुआ, क्यों? क्योंकि जो लंबी और हाइट वाली ब्रांच है वहाँ ज़्यादा न्यूट्रिएंट जाता है और वो स्टार्ट हो गया है। अब ऐसे ही हमने छोड़ दिया तो हमारी बनी बनाई या करी हुई मेहनत पे पानी फेर सकता है, ये सब डायबैक दिखने को मिलेगा, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्ट भी हो रहा है। बट इन सब में दोस्तों इम्पोर्टेंट है बैलेंस बनाना। तो यहाँ हो रहा है दोस्तों अनबैलेंस, जिसको हमें इमिडिएटली ठीक करना है। कब से मेरी नज़र थी आज इस प्लांट का नंबर आया है। तो पिछले साल इतनी अच्छी यहाँ ब्रांचिंग नहीं थी, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ही बना पाए थे हम। फिर गुजरते मानसून में हमने इस प्लांट को ट्रिम किया, फिर अब आया है इसकी बारी। तो यहाँ से हमें लगभग दो इंच की दूरी रख के हमें यहाँ से ट्रिम कर देना है इसका, इसमें भी। अगर ऐसा नहीं करते तो यहाँ आके कोई मल्टीप्लाई होता है इसका कोई मतलब है नहीं दोस्तों। यहाँ हम फाइनल सेपिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो ग्रोथ होगा उसमें हमें इस तरह 4-5 इंटरनोड के बाद ट्रिमिंग करना है, फिर ऊपर से दो में ही ग्रोथ होगा और थिकनेस बढ़ेगी, फिर उसको भी हटा देना है, अनबैलेंस होता है तो। बट अभी तो हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच के बाद फाइनल शेपिंग वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको हटा देना है दोस्तों, जिससे अब दूसरी बार प्लांट स्टार्ट करेगा अपने आप को पूरे सबाब में बैलेंस तरीके से। तो कुछ बनी बनाई ब्रांचिंग भी हमें गंवानी पड़ सकती है अगर ऐसा नहीं किया। तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ ट्रेनिंग। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बैलेंस वाला दिखना चाहिए, जबकि यहाँ अनबैलेंस वाला दिख रहा था। यहाँ भले ही है पर शेप में आता है तो चलता है। तो इस तरीके से हमें कुछ करना है दोस्तों, और ये स्टेप नहीं लेते तो इस तरह का बोनसाई प्लांट हम अच्छा वाला डेवलप नहीं हो पाता जैसा हमें चाहिए दोस्तों, बैलेंस स्ट्रक्चर वाला। तो यहाँ भी मैं शॉर्ट कर लूँगा कुछ ब्रांचों को, यहाँ ब्रांचिंग है फिर भी ये भी डाइबैक हो गया है। तो यहाँ हमने एक ब्रांच डेवलप की थी पर पिछली बार तूफान आया तो वो पूरी डैमेज हो गई, पूरी लंबी रखी थी हमने, जिससे इस ब्रांच से भी मोटी हो जाए, और मोटी भी हो गई थी बट फिर डैमेज हो गई, इसलिए फिर ऐसे ही छोड़ना पड़ा। अब यहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, ये वायर निकाल के यहाँ चॉपिंग कर देंगे और कर देंगे यहाँ फंगिसाइड अप्लाई, और जहाँ जहाँ हमने कट किया है वहाँ भी करेंगे। और जैसे ही कट करते हैं दोस्तों यहाँ अप्लाई करना होता है हमें फंगिसाइड, बस हो गया। और जहाँ जहाँ हमने किया है दोस्तों वहाँ वहाँ इस तरीके से लगाना, और इस तरह किसी आई ड्रॉप वगैरह में रखना चाहिए इस तरह का प्लांट फंगिसाइड, या कोई ड्रॉपिंग बोतल में। ये वेट्राबोन का है, खाली हो गया था तो मैंने यहाँ पर लिया है। तो इस तरह स्क्वीज करके आप
उसको भर सकते हैं पानी में मिक्स करके रखे रखना है तो हैंडी हो जाता है, यानी आपको अनुकूलता रहती है, जब चाहे वहाँ आप लगा सकते हैं दोस्तों। इससे सेफ्टी बनी रहती है, प्लांट ज़्यादा डाइवेक नहीं करते। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कहीं क्लास भी किए हुए हैं, तो उन लोगों को भी कुछ तो नया जानने को मिलेगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर बताए, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।